नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप भी जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस जहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है फ्लिपकार्ट ऐप। फ्लिपकार्ट ऐप सर्च करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रही है। तो गाइस यहां पर मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस जहां पर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्ले स्टोर के प्रोफाइल को ओपन करना है। प्ले स्टोर के प्रोफाइल को ओपन करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको क्लिक करना है। नेटवर्क प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको तीन अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपको ओवर एनी नेटवर्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ओवर वाईफाई ओनली का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आस्क मी एवरी टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ज़्यादातर मोबाइल के अंदर ओवर वाईफाई ओनली सेलेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है कि अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट रहेगा तभी एप्लीकेशन अपडेट होगी। तो गाइस जहां पर आपको ओवर एनी नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओवर एनी नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद गाइस जहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस जहां पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको ऐप मैनेजमेंट में कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट नहीं हो रही है। तो गाइस जहां पर आपको फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का ऑल डाटा क्लियर हो चुका है। तो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का ऑल डाटा क्लियर करने के बाद फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस जहां पर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद गाइस जहां पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है फ्लिपकार्ट ऐप। फ्लिपकार्ट ऐप सर्च करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इजी तरीके से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।